भुट्टो जी, ऑथराइज श्री सुल्तानपुरी जी, आपका भी है प्रश्न सर। क्वेश्चन नंबर 1532। माने राजस्व मंत्री महोदय। स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 1532 सूचना सभा पटल पर रख दी गई। अच्छा, माने सुल्तानपुरी जी। स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू सप्लीमेंट। इसमें सर ब्रिटिश टाइम का एक रोड है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत समय से है, जो शुरू होता है कालका के नज़दीक में डूडरा गांव है, डूडरा से ये मसूल खाना आता है सर और फिर कसौली पहुंचता है। उसके बाद ये कंडा एरिया से सबाथू तक आता है, फिर पनू से देलगी और उसके फर्दर टू शिमला। इसमें ये रोड अभी भी PWD के पास है, पर इसमें जैसा देखा जा रहा है कि डिमार्केशन नहीं हो रही है और इसके ऊपर कोई नज़र भी नहीं डालता है, तो इसमें कब्जे बहुत हो रहे हैं और अभी भी ये रोड बहुत ऑपरेशनल हो सकता है अगर इसके ऊपर सरकार ध्यान दे और ये मार्क आउट कर ले कि हमारी भूमि है, सरकारी भूमि है। सर, इसी के साथ धर्मपुर में एक 7 बीसवे की जमीन में जमीन किसी की क्लेमेंट है और लगभग उन्होंने 100 बीघे की ज़मीन के ऊपर क्लेम किया है और पूरे के पूरे जो डेवलपमेंटल प्लान है उसको पूरा उसमें रोक लगी हुई है। इस तरह से सर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कतेच गांव है और एक खजरेट गांव है जहां पे राइट टू वे जो है उसे बंद कर दिया गया है और एक इंडिविजुअल की आपसी जो मतभेद है, गांव की जो लड़ाई है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जगह उनकी है, हालांकि जो कागज़ है उसमें नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जब ये हाई कोर्ट में पूरा का पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया जाता है, मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, एक मार्क सरकार द्वारा जो ये क्लैरिटी है कि जो रास्ते हमारे हैं उसके ऊपर लोग जा सकें। इसी तरह सर एक जाबली से कोट गांव को एक रास्ता जाता है, वहाँ पे मेरे दोस्त जानकी दत्त और जग्गी जी रहते हैं, उनका बेटा डिसेबल्ड है, उसे रोज उन्हें पीठ पे उठाकर ले जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हम जब देखते हैं तो सर ये जो गांव के छोटी छोटी डिस्प्यूट्स हैं, एक राइट टू वे के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट जो देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि ये मार्कआउट किया जाए कि जो राइट टू वे है, जो हमारे पास अलग अलग नियम है उसके तहत भी हो सकता है, पर इफेक्टिवली ये ज़मीन पे देखने को नहीं मिल रहा है सर, ये मेरा कहना था। थैंक यू। माननीय राजस्व मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ये जानना चाह रहे थे कि अवैध कब्जे चाहे रास्ते के हैं चाहे अन्य हैं, उसको किस तरह से जो है छुटकारा मिले। उसमें विस्तृत हमने जवाब दिया है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जो ज़मीन है उसके लिए तो 163 की कार्रवाई हम कर ही रहे हैं, और अगर जो इन्होंने बहुत लंबी सूचना यहाँ दी है तो ये अगर अलग से हमें देंगे इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। पर जहाँ रास्ते का सवाल है, अगर लंबे समय से रास्ता चला हुआ है और अगर उसमें किसी ने रुकावट डाली है तो उसके लिए भी जो है जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनके पास रेमेडी बाय वे ऑफ क्रिमिनल जो है कोड ऑफ प्रोसीजर में 133 के तहत भी कर सकते हैं या फिर सिविल में जो है इजमेंट एक्ट के तहत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रेमेडीज इनके पास है और जो रेवेन्यू विभाग का काम है वो हम करेंगे, हमें सूचना अगर देते हैं तो थोड़ी आसानी रहेगी कि कहीं अवैध कब्जे हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है जो PWD की है तो उसमें रोड साइड कंट्रोल एक्ट के तहत भी PWD को प्रावधान है, तो ये डिपार्टमेंट का काम है कि वो अपने सड़क जो उन्होंने जो एक्वायर करके बनाई है या जो उनकी सड़क जिस तरह से भी है उस पर अगर कोई भी अवैध कब्जा हो रहा है तो उसके ऊपर वो अलग से कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। माननीय सदस्य श्री सुल्तानपुरी जी, सप्लीमेंट्री प्लीज। सप्लीमेंट्री सर, इसमें सर एक और एडिशन है जो नई परचेजेस, क्योंकि हमारी कसौली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लैंड एक्सचेंज बहुत होता है सर और परचेजेस बहुत होती है, इसमें जो नई परचेज करने वाले जो बाहर के लोग आते हैं जो हमारे रास्ते शरेआम हैं उसके ऊपर भी वो क्लेम करने लग जाते हैं सर, हालांकि उसमें गिरदौरी ना होने की वजह से या उसको इग्नोर किया जाता है, गिरदौरी ना करके उसको ओनरशिप राइट मिल जाता है क्योंकि वो बाहर के लोग हैं तो वो अपनी JCBs लगा के वो रास्ते ख़त्म कर रहे हैं। ये गढ़खल के नीचे छलोई गांव है, वहाँ पे इस तरह की एक स्थिति आई है जिसमें
इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सर, वो लोग बहुत बड़े लोग होते हैं, उनके सामने गांव के गरीब लोग लड़ नहीं सकते उनके खिलाफ में। तो ये मेरा अनुरोध है कि इसमें गर्दौरी कॉन्स्टेंटली हो ताकि ये मार्कआउट हो जाए रस्ते, जो रास्ता शरेआम है सर। चलिए ठीक है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय, वाजुबुल्लाह की स्टोरी है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं, मुझे डिटेल में दे दीजिए, मैं इंक्वायरी शुरू करा दूं। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माननीय सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मामला है सरकारी भूमि पे कब्जों का, ये पूरे प्रदेश का में बहुत गंभीर होता जा रहा है, और कई लोगों ने तो श्यामलात भूमि में मकान बनाए हुए, तीन तीन मंजिल मकान, बहुत सारे गांव ऐसे जो श्यामलात में ही बने हुए, उनकी ज़मीन कहीं और है, मकान कहीं और बना हुआ है, और उस ज़मीन के कागज लगा के उनको बिजली के कनेक्शन मिले हुए हैं। तो इसके ऊपर क्या सरकार गंभीरता से विचार करेगी, और जो लोग कस्टोडियन हैं, जिनके अंदर कस्टडी के अंदर ये लैंड आती है, क्या उन्होंने कभी इस बारे में उनकी छानबीन करी है? मंत्री मोदी से चल। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष मोदी, ये माननीय सदस्य का जनरल स्टेटमेंट है। वैसे भी सेटलमेंट जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में चला हुआ है, और उस सेटलमेंट में जो अवैध कब्जे हैं वो भी उसमें जो है लिया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर कोई स्पेसिफिक सूचना देते हैं फलाने डिस्ट्रिक्ट में, फलाने रेवेन्यू स्टेट में, अगर वहाँ का देंगे उसकी अलग से इंक्वायरी करा देंगे। चलिए, थैंक यू।